मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुक कर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुक कर गिर कर, बड़ों का आशीष लिया तो झुक कर, किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते, झुक कर। सम्मान कैसे पाया जाता, झुक कर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं, बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते, किंतु जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते। बड़ा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न कर। किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता जब अंधकार गहरा हो जाता। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आ, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले,